तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आपके पास यहाँ दो फंक्शन है, एक एक्स है जो एल्जेब्रिक की कैटेगरी में आता है, और लॉग एक्स लॉगरिथम फंक्शन है। और जैसा हम लोग आईलेट में जानते हैं कि लॉगरिथम फंक्शन सीक्वेंस में पहले आता है, तो इसे हम फर्स्ट एज्यूम करेंगे, और जो आपका एल्जेब्रिक है एक्स वो सेकेंड होगा, क्योंकि सीक्वेंस में वो बाद में आता है। ठीक है, अब बाई पार्ट का फॉर्मूला प्लेस कर दीजिए। क्या होता है आपका बाई पार्ट का फॉर्मूला? फर्स्ट मतलब लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, सेकेंड मतलब एक्स डी एक्स, और माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स का होल स्क्वायर एंड इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन एक्स डी एक्स हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा आपका लॉग एक्स का होल स्क्वायर, एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर टू हो जाएगा, माइनस इसका क्या हो जाएगा आपका चेन रूल लगाना पड़ेगा, पहले स्क्वायर का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे टू लॉग एक्स, और फिर लॉग एक्स का हो जाएगा दैट इज़ वन बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्स का क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई टू इंटीग्रल हो जाएगा डी एक्स, यहाँ पे हमें डी एक्स प्लेस करना था, तो टू टू कैंसिल कर दिया, एक्स एक्स कैंसिल कर दिया, क्या आ गया आपके पास फाइनली, यहाँ पे आ गया, हम साफ साफ लिख दे रहे हैं यहाँ पे, दैट कुड बी रिटेन एज एक्स लॉग एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इस इंटीग्रल को हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, आई वन एज्यूम कर लेते हैं, और इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा आई वन आपका, अच्छा इस इक्वेशन को हम लोग इस स्टेप को इक्वेशन नंबर वन एज्यूम कर लेते हैं। आई वन क्या लिखा जा सकता है, आई वन कुड बी रिटेन एज ए एक्स लॉग एक्स, बाई पार्ट प्लेस कर दीजिए, फिर से आपको डिसाइड करना पड़ेगा विच वन इज़ द फर्स्ट फंक्शन एंड विच वन इज सेकेंड फंक्शन। तो यहाँ पे एक्स फिर से एल्जेब्रिक हो गया, एल्जेब्रिक और लॉगरिथम, लॉगरिथम फंक्शन सीक्वेंस में पहले आता है, तो दैट इज फर्स्ट एंड दिस विल बी द सेकेंड फंक्शन, अप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट मतलब लॉग ऑफ एक्स इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट मीन्स लॉग एक्स एंड इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड डी एक्स, क्या हो जाएगा ये, दैट कुड बी रिटेन एज एक्स स्क्वायर बाई टू, इसका इंटीग्रल पहले लिख ले रहे हैं लॉग एक्स, और माइनस यहाँ से डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा वन बाई एक्स हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स हो गया, यहाँ से टू कांस्टेंट है बाहर कर लीजिए, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, फाइनली सिर्फ क्या बचा आपके पास एक्स बचा, और एक्स का इंटीग्रल आपका क्या हो जाएगा दैट इज एक्स स्क्वायर बाई टू, तो यहाँ हटा के आप नेक्स्ट स्टेप में करिएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, तो ये तो आपका इंटीग्रल आई वन आया। अब इसे चलिए देखते हैं हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में, यहाँ प्रोसीड करते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर एंड माइनस आपका आई वन कितना आया था दैट इज आई वन एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स लॉग ऑफ एक्स एंड माइनस वन बाई फोर, अच्छा ये माइनस पहले से तो ब्रैकेट में रख दे रहे हैं वन बाई फोर एक्स स्क्वायर प्लस इनडेफिनिट कांस्टेंट सी हो गया आपका। अब ये सॉल्व कर लीजिए कितना आ गया आपका, तो दैट कुड बी रिटेन एज ए एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स, और ये कितना हो जाएगा प्लस का वन बाई फोर एक्स स्क्वायर प्लस इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट सी, दैट इज योर फाइनल आंसर।